हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आउटलुक 2016 में हम लोग किस तरीके से मल्टीपल आईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मल्टीपल आईडी क्यों कॉन्फ़िगर करना होता है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को जो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम मल्टीपल आईडी क्यों ऐड करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। अब हो सकता है, देखिए, जैसे अगर हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है अपने आउटलुक 2016 को, जैसे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है, दिस इज़ माय आउटलुक 2016 विद माय ईमेल आईडी shivendrb30@gmail.com एंड मेरे पास एक से ज़्यादा आईडीज़ है। जैसे मेरे पास एक आईडी और है, अगर उसे भी मुझे बार बार देखना है तो मुझे क्या होगा कि एक आईडी तो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया है, बट मुझे सेकंड आईडी को अगर देखना है तो मुझे फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल आईडीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि एक सिंगल जब लॉगिन करेंगे आउटलुक, आपको एक ही आईडी के अंदर पे दोनों आईडीज़ दो तीन चार जितने भी आप उसको मिल जाएगा। तो अभी इसको हमें ऐड करना है, तो हमें करना क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक फाइल ऑप्शन आ रहा है। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऐड अकाउंट में क्लिक करने का है। ऐड अकाउंट में क्लिक करेंगे, देन गो टू द मैनुअल सेटअप, नेक्स्ट। यहाँ भी मैं अपना प्रॉपर आई मैप के थ्रू ले रहे हैं, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे, गो टू नेक्स्ट। देन अपने जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देते हैं। तो जो हमारा आईडी है हमने वो आईडी यहाँ पर लिख दिया, देन इसके बाद हम इसे यहाँ पर pop.smtp.gmail.com पासवर्ड डाल देंगे, देन सिंपली अभी नया एग्जिस्टिंग डेटा ना लेके हम न्यू आउटलुक डेटा फाइल लेंगे। मोर सेटिंग में चलते हैं, एडवांस में 995 और यहाँ ले लेते हैं 587, ऑड करके ओके कर देते हैं। सो गाइस, ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो एक देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है शिवेंद्र, जो पुराना वाला हमारे लिए यूज़ किए थे, और ये जस्ट रिसेंट वाला है जिससे हमने अब भी कॉन्फ़िगर किया। तो अब अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई भी आईडीज़ लगेगी तो हम अगर किसी ने मेल किया मुझे तो मैं ये वाले मेल पर भी चेक कर सकता हूँ और ये भी मेल चेक कर सकता हूँ, और मुझे बार बार दो अलग अलग आईडी को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, इस तरीके से हम लोग अपने आउटलुक 2016 पे मल्टीपल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियोज़ में आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।